बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रोड टू सक्सेस सिलसिला में हमने जिन 9 पॉइंट को हमने डिस्कस किया था उसमें डिजायर था, कमिटमेंट थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हार्ड वर्किंग, करेक्टर, पॉजिटिव बिलीविंग, गिव मोर देन यू गेट, द पावर ऑफ परसिस्टेंस, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के बाद आज हम जिस पॉइंट पर डिस्कस करेंगे वो 9 पॉइंट जो हमने डिस्कस किया उनका महवर है, बिल्कुल उसका मंबा है, उसका मरकज है, वो है बी विलिंग टू बी ए स्टूडेंट। यानी एक स्टूडेंट को अपना सरपरस्त कैसे ढूंढना चाहिए, क्योंकि 9 पॉइंट को जब भी आपने जहां जिस स्टेज पर भी आपने डिस्कस किया, आपने उसको सुना, उसका एक ही चीज था कि बगैर टीचर के, बगैर उस्ताद के कोई भी बंदा अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर सकता, वो कामयाबी का सफर तय नहीं कर सकता। तो टीचर बेसिकली उस्ताद ही है जो आपको टीचर इंजीनियर बनाता है, जो आपको डॉक्टर बनाता है, जो आपको आर्किटेक्ट बनाता है, इवन उस्ताद ही है जो आपको आदमी से इंसान बनाता है। तो अच्छा स्टूडेंट की खासियत यह है कि अगर उसके सामने प्राइम मिनिस्टर को खड़ा कर दिया जाए और एक उस्ताद को खड़ा कर दिया जाए तो अच्छा स्टूडेंट जो है वो सबसे पहले अपने उस्ताद को सलाम करेगा, क्योंकि उस्ताद ही है जिसने उसको चलना सिखाया, सीखना सिखाया, बढ़ना सिखाया, एक मंजिल तक पहुंचाया। क्योंकि पाकिस्तानी कल्चर के मुताबिक जो हमारा अच्छा स्टूडेंट है वो अपने टीचर को जब सलाम करता है, क्योंकि इसकी मदद और हदायत के बगैर वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि उस्ताद की मदद के बगैर तो इंसान अल्लाह से भी नहीं मिल सकता। एक सरपरस्त या टीचर वो शख्स होता है जिसकी नजर आपकी बिनाई बन सकती है। हमेशा आप किसी ऐसे शख्स को तलाश करें जो आपको बतौर तालिब इल्म कबूल कर सके, जिसकी नजर सिर्फ सिर्फ आपकी मंजिल पर हो, आपको सिखाने पर हो, बल्कि ना कि उसकी नजर आपकी ट्यूशन फीस पर हो। बड़े एहतियात से अपने टीचर का इंतखाब करें। अच्छा उस्ताद बेहतरीन रहनुमा भी होता है, आपकी कामयाबी का जरिया है, और बुरा शख्स हमेशा आपको गुमराह कर देगा। उस्ताद से हमेशा इज्जत से पेश आए, अपने आप को हमेशा सीखने वाले अमल में रखें, क्योंकि उस्ताद भी ऐसे ही शख्स को, ऐसे ही तालिब इल्म को पसंद करता है जिसमें सीखने की लगन होती है, जिसमें सीखने का तलब होती है। तालिब इल्म तलब जिसमें होगी उस्ताद भी उसी को पसंद करेगा। क्योंकि बहुत किस्सा एक बड़ा मशहूर है ना एक बादशाह का, उसने ऐलान कराया कि मैं प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस देना चाहता हूं। तो तमाम लोग जिन्होंने सोसाइटी में को पार्टिसिपेट किया है वो अपनी अपनी कारकर्दगी जो है वो पेश करेंगे। तो मुकर्रर वक्त पर तमाम लोग आगे इकट्ठे हुए, अपनी अपनी जो प्रेजेंटेशन है वो दे रहे हैं, लेकिन बादशाह किसी से भी मुतमिन नहीं हो रहा ना। तो जब सारा प्रोग्राम खत्म हो गया तो हॉल में से एक बुजुर्ग बिल्कुल ज़ईफ लत ही टेकते हुए एक बाबा जी अंदर दाखिल होते हैं। तो बादशाह पूछता, जी आप कौन है? वो कहते, जी मैं उस्ताद हूँ, मैं मास्टर हूँ, मैं टीचर हूँ। तो बादशाह अपनी तख्त से नीचे आता है, बड़ी इज्जत और अहतराम के साथ बाबा जी को लेकर अपने साथ बिठाते हैं और ऐलान करते हैं कि आज के जो विनर हैं, जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हैं, वो उस्ताद हैं। क्योंकि आप जितने लोगों ने यहाँ पर अपनी अपनी कारकर्दगी बयान की है उस सब को सिखाने वाला ये उस्ताद है, क्योंकि सोसाइटी में सबसे ज़्यादा जो पार्टिसिपेशन है वो उस्ताद है। और उस्ताद बेहतरीन उस्ताद वो है जो आपको पीने के लिए ना कुछ दे, बल्कि शराब ना करे, बल्कि आपको प्यासा बना दे। दे विल मेक यू थर्स्टी, आपको प्यासा बना दे, आप में लगन और तड़प पैदा करे, और आपको सीखने की राह पर गामजन कर दे। क्या हमने, जब हम अपने ख्यालात को पढ़ते हैं, अपने ख्यालात को सोचते हैं, तो कभी हमने सोचा है कि हमने कौन सी खसूसियात हैं जिनको अपना कर हम आगे बढ़ सकते हैं? तो इस लम्हा पर, इस स्टेज पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके जहन में फौरन आ जाता है, जी हम कुछ नहीं कर सकते। याद रखें, वो हमेशा नाकामी की तरफ चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी इंसान में सीखने की, करने की सलाहियत ना हो, तमाम इंसानों में, हम सब में तमाम वो खसूसियत हैं जिसको अपना कर हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन फर्क आ जाता है कि उन खसूसियत को उजागर कैसे करना है, उन सलाहियतों को उभारना कैसे है। तो उसके लिए आप सबको एक अच्छे उस्ताद की ज़रूरत है, एक ऐसे उस्ताद की जो आप में लगन
और तड़प पैदा कर सके ताकि आप रोड टू सक्सेस में कामयाबी का सफर तय कर सके। वाला इना इल्ल बलाव।